हेलो गाइस, आज मैं आपको वन पीस की कटिंग लेयर वाली फ्रिल वाली बताऊंगी, जिसके लिए मैंने ये 80 पॉइंट मटेरियल लिया हुआ है अपर बॉडी के लिए। और ये मैंने 6 मीटर जॉर्जेट का मटेरियल लिया हुआ है, जिसका पना है 60 इंच। 60 इंच पने की 6 मीटर मैंने ये मटेरियल लिया हुआ है, क्योंकि मैं अच्छी फ्रिल वाली ड्रेस बनाना चाहती हूँ। अपर बॉडी की कटिंग देख लेते हैं पहले। तो देखिए, अपर बॉडी की कटिंग के लिए मैंने इस तरह से ये कटिंग ली हुई है। इस तरह से ये डबल फोल्ड किया हुआ मटेरियल है। सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। तो मैंने ये जो इसकी है, ये 17 इंच लेंथ है। तो देखिए, मैंने पूरी लेंथ ले ली है 17 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच है। ये देखिए, इस मेरे ड्रेस का ब्रेस्ट साइज है 36, उसी हिसाब से मेरे को 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिल रहा है, और उसी हिसाब से मैंने ये 10.5 इंच लिया हुआ है। और यहाँ से हम अब शोल्डर देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ इसका शोल्डर 6.5 लिया है। इस तरह से 6.5 पे मार्क कर लेंगे, और आर्म होल के लिए भी 6.5 पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से, इस तरह मार्क करने के बाद हम लेंगे, और यहाँ से 1 इंच, ये देखिए, इस तरह से 1 इंच को इस तरह से मार्क करने पे शोल्डर का गोलाई दे देंगे, आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम कटिंग करने के बाद फ्रंट साइड को अलग करेंगे। ये बैक साइड है, इसको इस तरह से रख लेंगे। ये फ्रंट साइड को अब हमें यहाँ से 1/2 इंच और कटाई देनी पड़ेगी। तो देखिए, इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं, और नहीं तो आप इंची टेप से, ये जो नोक पॉइंट है, इससे आप इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। देखिए, 1/2 इंच इस तरह से मार्क करेंगे, और इसको हल्का सा इस तरह से कर्व कर देंगे। तो देखिए, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी अपर बॉडी की कटिंग रेडी हो चुकी है। अब इसी की जैसे हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अब हम नीचे के फ्लेयर की कटिंग देखते हैं। फ्लेयर की कटिंग करने से पहले हम इस कमर का साइज देख लेते हैं। तो हमारी कमर का साइज यहाँ आ रहा है 21 इंच। में 1 इंच हमारा टक्स में चले जाएगा। हम इसमें टक्स लगाएंगे तो हमारी कमर 1 इंच टक्स में चले जाएगी, तो हमको रेडी 20 मिलेगा। तो हम 20 इंच के हिसाब से फ्लेयर की कटिंग करते हैं। पीस है, उसकी लेंथ 55 इंच है टोटल लेंथ, जिसमें से हमने इसमें 17 इंच बॉडी ले ली है। ये हमको रेडी 15 इंच मिलेगी। 1 इंच नीचे से और 1 इंच ऊपर से फोल्डिंग में चले जाएगा, तो हमको 15 इंच ये रेडी मिलेगा। तो इससे हमें जो नीचे वाली फ्लेयर है, वो हमें 14 इंच चाहिए, 40 इंच चाहिए, 40 प्लस 15, तो 55 होगा। इसलिए हमें इसकी लेयर है जो 40 इंच चाहिए। तो 40 को 3 लेयर्स वाला बनाऊंगी, तो 40 को 3 से डिवाइड करेंगे, 13.3 आएगा। इस तरह से मैंने मटेरियल को बिछा लिया हुआ है। ये 16 इंच का पन्ना है, तो मेरे को इसमें 14.5 इंच की 3 लेयर आराम से मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं 14.5 पे इस तरह से मार्क कर लूँगी, 14.5, 14.5, 14.5, इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। इसी तरह मैं सेकंड लेयर की कटिंग कर लूंगी। और ये फाइनल लास्ट में हमें 15 इंच की लेयर मिल रही है। इसमें 1/2 इंच ऊपर कटने के बाद ये हमें को थर्ड लेयर भी मिल गई। फर्स्ट से लेयर रहेगी वो 90 इंच की आएगी, और जो सेकंड लेयर है उसमें हम 20 इंच की चाहिए, जो थर्ड लेयर है 150 इंच चाहिए। तो हम ये जो हमने लेयर एक साथ कटिंग की, क्योंकि तीनों लेयर की लेंथ एक जितनी थी, अब इसमें से हम जो फर्स्ट लेयर है उसके लिए हम 90 इंच अलग कर लेंगे। इस तरह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर तीनों हमारी रेडी हो चुकी है कटिंग। अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। तो हम इसमें सिलाई लगा के इस तरह से इसमें स्टिचिंग लगाएंगे बड़े टांके से, फिर उसको इस तरह से खींच खींच के उसको बराबर गैदर्स कर लेंगे तीनों को। तीनों फ्लेयर में हम इसी तरह से
गैदर्स कर मैंने इस लूंगी। तरह से दो मोटा साइड करके इस तरह से दो दो सिलाई लगा लिए। अब हम यहाँ के जो दो धागे हैं उसको इस तरह से खींचेंगे और इस तरह से हम पूरी गैदर्स इकट्ठी कर लेंगे। एक तरफ इस तरह से खींचते हुए चारों तरफ हम जितना हमारा ऊपर वाला बॉडी का मटेरियल है उतना हम इसको इस तरह से ये देखिए फ्लेयर्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से चुनट को बिठा लेंगे ऐसे से करके। ये देखिए बहुत अच्छे से ऐसे से घुमाते हुए पूरे तरफ हम इसको ये देखिए धागे को खींचते हुए पूरी इसको गैदर्स को बिठा लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया है। इसी तरह तीनों फ्लेयर्स में बराबर इक्वल करके बना लेंगे। ये देखो ये ऊपर वाला फर्स्ट है और इसी तरह से नीचे सेकंड ये है और थर्ड इसी तरह से गैदरिंग कर लेंगे पूरी। और इसको ये देखो ये ऊपर वाली है इसको अब हम इस नीचे वाली से यहाँ से अटैच करेंगे। जो इसका ये है फ्लेयर इसको यहाँ से नीचे वाले से अटैच कर लेंगे। तो देखिए अब इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे और नीचे वाले को थर्ड वाले को यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। तो हम इन तीनों को ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे और ये वाली लेयर को यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हम तीनों लेयर को ज्वाइंट कर लेते हैं। ये मैंने तीनों लेयर्स अटैच कर दी है इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे तीनों साइड ये वाली लेयर के साथ तीनों अटैच हो गई है। और मैंने नीचे साइड फोल्डिंग के लिए इस तरह से ये लैस लगाई हुई है। इस तरह से लैस लगाई हुई है, ये मैंने उल्टे साइड लगाई हुई है। ये देखिए ये रॉन्ग साइड है, उल्टे साइड लगाई हुई है। अब मैं इसे सीधे साइड इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए तो ये जो लैस है ये इस तरह से आगे साइड दिखेगी और हमारा नीचे से फोल्डिंग भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ लैस लगाने के बाद अब हम इसका अस्तर भी अटैच कर लेते हैं। अस्तर की कटिंग देख लेते हैं। इस तरह से हम अस्तर को बिछा लेंगे और इस तरह ये फोल्ड वाला पार्ट इस साइड आएगा। और हम इस सबसे पहले इसकी लेंथ ले लेते हैं। हमें इसकी लेंथ चाहिए 35 इंच, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। 35 इंच इसकी हम लेंथ लेंगे। हमारा कमर साइज उसमें हमारा 20 था, हम इसमें कमर साइज को 20 पे 10 पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से 10 पे मार्क कर लेंगे हाफ। और उसके बाद हम घेरे के लिए नीचे इस तरह से शेप में दे देंगे। ये देखिए इस तरह से 35 इंच, ये देखिए इस तरह से 35 इंच, और इसको इस तरह से 35 इंच पे मिला देंगे। इस तरह हम ये अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। अस्तर की कटिंग करने के बाद अब हम देखो इस तरह से मैंने इस कुर्ती में ऊपर वाले में पार्ट में इस तरह से अस्तर को अटैच कर लिया हुआ है। अब हम देखेंगे इसमें नेक। तो देखिए यहाँ से हम पौने तीन इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे। ये बैक साइड का है और बैक साइड मुझे 7 इंच डीप चाहिए, तो मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी और इस तरह से गोलाई करके इसकी कटिंग कर दूंगी। और इसी तरह हम फ्रंट का देखेंगे। तो जो हमारा फ्रंट है उस पर भी हम 3.25 इंच लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और ये भी हम 6 इंच की लेंथ रखना है मैंने, तो ये भी 6 इंच पे इस तरह से मार्क करके तो इस पर भी हम राउंड दे देंगे। तो दोनों साइड हम राउंड नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमने राउंड नेक की कटिंग कर ली है और उसे हम दोनों साइड ज्वाइंट कर लेंगे। जो फ्रंट पार्ट है इस तरह से जो फ्रंट पार्ट है उसको बैक पार्ट से शोल्डर से दोनों को अटैच कर देंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। इन दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली हुई है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये सिल चुका है। अब हमें इस पर पट्टी लगानी है, तो रेप पट्टी की कटिंग कर लेते हैं हम। इस तरह से ये मटेरियल है साटन का, इसमें हम इस तरह से तिरछी ये मैंने स्लीवलेस बनाना है। आप चाहे तो इसमें स्लीव्स भी लगा सकते हैं, तो मैं स्लीव्स के लिए भी रेप पट्टी की कटिंग कर लूँगी। तो हम इस तरह से इस कपड़े को आधा बिछाएंगे। इस तरह से मटेरियल बिछाने के बाद इस तरह से आड़े मटेरियल में निशान लगा लेंगे। 1-1 इंच की हम पट्टी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 इंच के लिए ऐसे
पूरे कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह से हम दो तीन पट्टियां काट लेते हैं, दो हमारे दोनों स्लीव्स के लिए चाहिए और नेक के लिए भी। देखिए इस तरह से मैंने तीन चार ठुक उरेप पट्टियां कटिंग कर ली हुई है। अब हम इसको इसकी नेक में इस तरह से फोल्ड करके इसके नेक में पट्टी लगा लेंगे। इस तरह से इसके चारों तरफ हम इसको पट्टी को लगा के और घुमा देंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो हम इस पट्टी को स्लीव्स में और नेक में दोनों साइड लगा लेते हैं। ये देखिए गले की कितनी फिनिशिंग से पट्टी लग गई है, और फिर मैंने उसको तुरपाई भी कर दी है इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे स्लीव्स की और नेक की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें फिटिंग के लिए, और इसमें मैंने देखिए ये देखिए इसमें टक्स भी मैंने लगा दिए हैं दोनों साइड, आगे और पीछे साइड एक एक इंच के। अब हम देखिए इसमें फिटिंग के लिए मार्क कर लेते हैं। ये देखिए मैं नेक की पट्टी और शोल्डर की पट्टी कितनी अच्छे से लग गई है, और मैंने इसमें तुरपाई कर ली हुई है। तो इस तरह तुरपाई करने के बाद हम लोग अपनी फिटिंग का यहाँ मार्क कर लेंगे। इस तरह से जो फिटिंग का मार्क है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये ऊपर से ब्रेस्ट साइज 36 है, तो मैंने ये 18 इंच पे दोनों तक मार्क किया हुआ है, और 32 इंच कमर है तो यहाँ से देखिए 16 इंच पे मार्क किया हुआ है। और यहाँ अब हम इस तरह से जो हमारे लेयर वाली स्कर्ट है ये वाली, और सेम जो मैंने अस्तर लिया हुआ है उसको भी हम सेम इस तरह से साइड में स्टिचिंग कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए दोनों साइड से मैंने इस अस्तर को भी स्टिचिंग कर लिया है, और नीचे से भी फोल्ड कर लिया हुआ है। अब देखिए जो अस्तर है इसको इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे, चारों तरफ घुमा देंगे, और ये दोनों फिटिंग लाइन सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से इसको और ये वाले को इस तरह से स्टिचिंग लगाएंगे चारों तरफ, इस तरह से पूरे तरफ स्टिचिंग लगा लेंगे। ये इसकी फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है, और इसी तरह अटैच कर लिया हुआ है इसमें अस्तर भी। अब हम अस्तर अटैच कर लिया हुआ है, अब हम देखेंगे ये जो सेंटर वाली सिलाई है, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से जो सेंटर वाली सिलाई है अस्तर की, इसको इस तरह से हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे घेरे में चारों तरफ सिलाई लगा देंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा है जो भी, ये सब कटिंग कर देंगे और इंटरलॉक कर लेंगे। ये देखिए सेंटर से भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ये देखिए इतने अच्छे से सेंटर से हमारी प्लेट्स बन चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी ये ड्रेस रेडी हो चुकी है। ये देखिए इधर से भी कितनी अच्छी फ्रिल बन चुकी है, और नीचे से भी बहुत अच्छे से फ्रिल बन चुकी है। ये देखिए और नीचे से हमारी कितने अच्छे से देखो लैस लग चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी ये ड्रेस रेडी हो चुकी है। ये देखिए और नीचे का जो लैस है वो भी बहुत अच्छे से लग चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।